अस्सलामुअलैकुम जी, आज आपको हम सिखाने लगे हैं तवे वाला कीमा। इसको आप देशकी में भी बना सकते हैं और तवे पर भी बना सकते हैं। हो सकता है कुछ हजरात के पास तवा ना हो, तो मैं आपको देशकी में बनाना सिखाऊंगी। पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। लोग कहते हैं जी पहले डीफ्रॉस्ट करें या फ्रेश कीमा। आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्रीजर से निकाला है, ये रॉक फ्रोजन है बिल्कुल। इसको इसी तरह बनाऊंगी। ये 2 किलो कीमा है, 8 दरमियाने साइज के टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं जो आधा इंच कटी हुई हैं, कोई 10 हैं, प्याज 5 बड़े साइज के, लाल मिर्चें ये छोटी चमचे हैं, 1.5 ये है, 1.5 नमक और छोटी चम्मच हल्दी है, जीरा बड़ा चमचा जो है 1.5 जीरे का है और 3 सूखा धनिया। अच्छा, अब आप देखें देशकी में मैंने दोनों जो कीमे की फ्रोजन वाले हैं बीच में डाल दिए हैं। गैस आप ऑन कर लें और आपने इसमें भी सब कुछ इकट्ठे डाल देना है। ये आपने पहले अनियंस ऐड किए अपने, ये टमाटर और हरी मिर्चें, जीरा और सूखा धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी। साथ ही आप इसमें तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी भी डाल दें, क्योंकि इसी पानी में कीमा जो है गल जाएगा और बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इसका जायका बिल्कुल दूसरे कीमों से अलग है। ये आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें सूखा धनिया डाला है। सूखा धनिया जो है ये खास इसकी वजह है, इसके जायके की, और इसके अंदर अदरक और लहसुन नहीं डालता। आपने ये भी शायद नोट किया होगा। अब मैंने इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, और अब इसको अब आप हांडी को ढांक लें। पहले आग को तेज रहने दें, जब इसमें उबाला आएगा तब आप इसकी आंच हल्की कर लें, मीडियम बेशक कर सकते हैं आप, और साथ साथ कीमे को किसी भी स्पून के साथ में इसको फिसाते रहें साथ साथ। अच्छा, अब आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी जो है इसमें बबलिंग शुरू हो गई है और जो कीमा है वो अलग होना शुरू हो जाता है। ये आप देखें, इसको आप यूं अलग करते रहें साथ साथ। दिस इज द ईजीएस्ट वे टू मेक तवे वाला कीमा। साथ साथ कीमा गल भी रहा है आपका और ये अलग भी होता जाएगा। जब ये सारा कीमा इंटायरली मेल्ट हो जाएगा, पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये भूनने पर आ जाएगा, तो आप घी या तेल जो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो कीमा इस्तेमाल करती हूँ ये ऑर्डिनरी मिन्स होता है, जिसे कबाब का कीमा कहा जाता है। इसमें ज़्यादा घी या तेल आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोश्त का जो खुद का फैट है वो घी का काम करता है और वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप कीमा लें तो कबाब का कीमा लें, ताकि उसका फैट जो है उसी के अंदर में ही पक जाए। लेकिन अगर आपको लगे तब भी भूनते वक्त के कम है तेल या घी, तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपने इसको स्क्रेप करते रहना है जब तक आपका ये इंटायरली जो कीमा है अलग अलग नहीं हो जाता। जैसे आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये आप देखें थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह गया है, और इसके ऊपर ऊपर इसका जो कीमे का खुद का घी है यानी कि जो फैट था वो आ रहा है। अब आप इस वक्त इसमें अपना धनिया ऐड कर लें, और इसे भी मिक्स कर लें बीच में। धनिया आप फ्रोजन भी डाल सकते हैं, काफ़ी लोग काट के उसको फ्रिज में रख लेते हैं, या आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो ये धनिया डाल दिया हमने, और ऊपर 1 टेबलस्पून गरम मसाला, इसे भी अब मिक्स करना अच्छी तरह। ये बहुत ही इजी और क्विक डिश है, और सबसे ख़ास बात इसकी ये कि ये फ्रोजन से फ्रोजन मीट के साथ में आप इसको बना सकते हैं। ये नहीं कि आपको पहले इसको डीफ्रॉस्ट करना है। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी और रह गया है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा, और आपको भूनते वक्त अगर लगे कि घी अभी भी कम है तो आप इसमें घी या तेल खुद भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पानी इंटायरली जो है ड्राई हो गया है, और ये है उसकी एंड की सूरत जैसी लगेगी। अब ये तैयार हो चुका है, आप इसको एंजॉय कीजिएगा रोटियों के साथ में या पराठे के साथ।
और प्लीज़ पसंद जरूर कीजिएगा, पका के ट्राई कीजिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।